नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी लोकसभा के चुनाव की प्रथम चरण की प्रक्रिया को चंद घंटे ही बाकी हैं। इंडिया गठबंधन और भाजपा की अगुवाई वाली राजग एक के बाद एक अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर रही है। रामपुर की सीट सपा के खाते में आई है। यहाँ पर अगर कोई पार्टी हाई कमान है तो वह सिर्फ आजम खान है, और यह बात स्थानीय सपाइयों के द्वारा इस चुनाव के बहिष्कार के ऐलान के बाद साबित भी हो रही है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा रामपुर 7 पर प्रथम चरण में चुनाव घोषित हैं। नामांकन प्रक्रिया को लेकर अंतिम दौर के चंद घंटे ही बाकी हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक यहाँ पर पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो सकी है। दो दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीतापुर की जेल में पहुंचने के बाद आजम खान से मुलाकात की थी, जिस पर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म रहा, जिसका कारण आजम खान का अखिलेश यादव को रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऑफर था। तभी से यह कयासबाजी तेज हो चुकी थी कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा समाप्त होती जा रही है, वैसे वैसे यहां के स्थानीय सपाइयों का मूड भी बदलना शुरू हो चुका है। दरअसल रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आसिम राजा ने पार्टी के कैंप कार्यालय पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाते हुए खुलेआम चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर डाला है। चुनाव बहिष्कार के पीछे बकायदा पूर्व के उपचुनाव में प्रशासन पर जातियों का आरोप लगाते हुए तर्क दिया गया है। सपा के दोनों स्थानीय नेताओं की चुनाव बहिष्कार की घोषणा आजम खान की मंशा बताई गई है। चुनाव बहिष्कार की घोषणा से एक बात तो साबित होती है कि समाजवादी पार्टी की कमान भले ही पूरे प्रदेश या देश में अखिलेश के हाथों में हो, लेकिन रामपुर में तो सिर्फ सिक्का आजम खान का ही चलता है। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव रामपुर की सपा के द्वारा लिए गए चुनाव बहिष्कार के निर्णय पर क्या कदम उठाएंगे। अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है, और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज़ भी थी, रामपुर की ज़रूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतें अपनी अपनी मसलियतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इन हालात में चुनाव में जाना, हमें ये महसूस होता है कि रामपुर की महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो अभद्रता, जो व्यवहार, वोट के अधिकार को रोकने की ज़बरदस्ती की पुलिस की कोशिशें, ये सारी कार्रवाइयाँ जो भयानक हुई हैं, जो रामपुर का एक इतिहास बना है और जिन्होंने एक दुनिया ने देखा है, आज भी जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये दोहराया ना जाए, यहाँ की गरीब जनता फिर अपमान ना हो, फिर उसकी पगड़ी ना उछाली जाए, यहाँ की महिला वोटर्स को गालियाँ फिर न दी जाएँ, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती फिर ना हो, पोलिंग के दिन वो बर्बरियत का तमाशा और पोलिंग से पहले पार्टी वर्करों के खिलाफ जो कार्रवाई पिछले दो चुनाव में हुई है, इस पीड़ा को फिर हमारे वर्कर न झेलें। हमने इस माहौल को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोशिश गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते, उसका बायकॉट कर रहे हैं, इसलिए कि हम रामपुर के मुअज्जज शहरियों की पगड़ियां नहीं उछालवाना चाहते, यहाँ की ख़वातीन को धक्के और गालियां नहीं खिलवाना चाहते, यहाँ के नौजवानों को गालियां नहीं खिलवाना चाहते, उनके गिरवान पर पुलिस के हाथ नहीं डलवाना चाहते। 23 जून और 2022 और 5 दिसंबर 2022 को
23 जून 2022 और 5 दिसंबर 2022 के चुनाव में जो यहाँ हुआ है वो बहुत बर्बरता पूर्वक पुलिस की कार्रवाई थी। अफसोस ये है कि जिन अधिकारियों की शह पर ये सब कुछ हुआ उनमें से कुछ यहाँ अभी मौजूद हैं, और हमें अफसोस ये है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का, जो सीमा मुकर्रर की है उसके भी अवहेलना हो रही है, उस सीमा को पार करके भी कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को लांघ कर यहाँ रह रहे हैं, उससे नियत का अंदाज़ा होता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर उन्होंने अब तक काम किया है और फिर उसी मिशन को लागू करना चाहते हैं। और लोग हैं वो? अब आप अगर इतने नावाकिफ हैं तो फिर कहा है का प्रेस है? ये बात हमसे पूछ रहे हैं। ये जो आप बहिष्कार कर रहे हैं, प्रेस ये जानना चाह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रहे हैं आप, या फिर ये परमानेंट माना जाए कि आप बहिष्कार में रहेंगे? हम रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं। इससे पहले तो ये सवाल आया नहीं, तो उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा, जब घटना घटित होगी उसके बाद ही तो क्या फैसला लिया जाएगा। इन हालात में और हमने फिलहाल इसमें और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो कल का जो बाकी है, ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, क्या करते हैं वो उसका इंतजार कीजिए। उनके निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया तो उसको क्या समझते हैं? उनके निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया उसको क्या समझते हैं? उनका अभी निर्णय अभी आया नहीं है, आपने जैसे कहा कि निर्णय पे, तो उनके निर्णय से पहले आपने फैसला लिया बहिष्कार का? नॉमिनेशन का वक्त गुजर रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा पाए रामपुर के पिछले हालात को देख कर। रामपुर के शहरियों को बेइज्जत कराना नहीं चाहते, उनकी पगड़ियों चलवाना नहीं चाहते। इलेक्शन में अब तक हिंदुस्तान में जितना भी करप्शन हुआ होगा उन सब को मिलाने के बाद भी उससे ज्यादा रामपुर में करप्शन हुआ है 5 दिसंबर और 23 जून को जो दो उपचुनाव हुए हैं। इन हालात में जब तक हमें इसकी पूरी उम्मीद न हो कि माहौल सही रहेगा उम्मीदवार का, या तो ऐसी हस्ती हो कि भाई उसके उसकी हैसियत की वजह से मामला सही रहे, या प्रशासन ने ऐसा कोई अमल किया हो, अभी हमारा ये विश्वास लौट के नहीं आया है कि रामपुर के लोगों के साथ ज्यादती हम होते हुए नहीं देखना चाहते, फिर ज्यादती नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास नहीं बन पाया अभी, इसलिए हम फिलहाल अभी हमारा ये निर्णय है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए, आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं, हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी सपा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपने विवेक के ऊपर वो किसको उतारेंगे। टिकट को लेके बड़ा मारामारी चल रही है, रामपुर से सपा का प्रशासन का रवैया रहा है उपचुनाव में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों के साथ, उसी के तहत लोगों की परेशानी जो बहन बेटियों के साथ बुरा करा गया था, मारपीट की गई है, उसको देखते हुए इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये रामपुर की समाजवादी कर रही है पूरा, ये केंद्रीय नेतृत्व कर रहा आपका? नहीं, हमारा जिला हम अपने ही जो हालात रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया हमारे वर्करों का, फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं। गुलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।